हाँ जी, जय माता दी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और ये जिस दिन बर्फ पड़ी थी हमारे, उसी दिन की कुछ क्लिप्स थी मेरे पास। तो बहुत सुंदर लगता है यहाँ पे हमारा जंगल, हमारे गांव के आसपास का। और तो मैंने पूरा नहीं दिखाया था आपको वीडियो में, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखा रही हूँ रोज का, क्योंकि देखने को बहुत सुंदर लगता है। और ये देखिए। हाँ जी, और बस फंसी है देखो परे। कैसे महीने पहाड़ों की, और देखो रात को पाड़ा, ये पता है ये बर्फ का, ये देखो पीछे यहाँ पे। इतना ज्यादा पाला पड़ा उधर ना रात को, ये देखो ये बर्फ का टुकड़ा। बर्फ मतलब बर्फ के ऊपर जो पाला पड़ता है ना, जो कोरा पड़ता है, तो उसके बाद बहुत ज्यादा सख्त हो जाता है। बस फंसी है देखो पीछे, देख रहे ना, जन्नत है हमारे यहाँ पे, जन्नत स्वर्ग। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, बर्फ के ऊपर जब एक कोरा पड़ता है ना, देखो मैं अभी आपको दिखाती हूँ किसी कैसे टूटेगा कांच की तरह। ये देखिएगा आप अभी, है ना। चलिए चलते हैं, वो देखो यहाँ पे फंस चुकी है बस। बस अपने गांव का चक्कर काट लिया मैंने, यहाँ पे जो जंगल है। ये देखिए हमारी HRTC की बस यहाँ पे, कल बहुत ज्यादा बर्फ थी ना यहाँ पे, तो नहीं निकल पा रही थी। तो ये है आज के बाद का वीडियो। आज है तारीख 13, लोहड़ी आज भी है, कल भी होगी। तो मौसम देख लीजिए पहले आप, और बहुत ख़राब मौसम हो रहा है। और ये है हमारा गांव जो आप देख सकते हैं, और ये मकान अभी मैं आपको बताऊंगी। ये है हमारा छोटा सा घर। हाँ जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? तो आज मौसम बहुत ख़राब है, और वैसे बारिश बताई थी कल भी, बताई थी कल तो नहीं हुई पर आज हो रही है, अभी लगी थी। और मैं आज कहीं भी नहीं गई हूँ, आप बोलेंगे बीमार तो लग रही है। बीमार नहीं हूँ मैं, मुझे पता नहीं है क्या हुआ है, मतलब सिर में दर्द, कल से सिर में बहुत दर्द है। और आज मैंने दवाई को जाना था पर मैं गई नहीं, क्योंकि मैंने सुबह ना खाना खा लिया और टेस्ट वगैरह करवाने थे मैंने, तो वो खाली पेट होते हैं, तो फिर मैं नहीं गई। खाना बनाया और सो गई थी मैं, सुबह सुबह सो गई थी मैं 9 बजे, और फिर उसके बाद उठी थी मैं 12 बजे। फिर पशुओं को पानी पिलाया और फिर आ गई थी यहाँ पे। तो चलो मैं आज आपको ना एक छोटा सा अपना घर दिखा देती हूँ। काफ़ी लोग बोल रहे हैं बहुत दिनों से कि आप अपना घर नहीं दिखाते, तो चलो मैं दिखा दूँगी आपको आज अपना घर। छोटा सा 3-4 कमरे हैं हमारे पास, ज़्यादा नहीं है, और पर जो भी है रहना तो हमने वहीं, घर तो हमारा यही है। और उसमें दिखाने में शर्म किस बात की, तो मैंने सोचा कि चलो आज दिखा देती हूँ। और हाँ, मैंने आज बोला था कि मैं ना आपको अपनी भाषा में बोलूँगी, पर अपनी भाषा में नहीं मैं आज बोल रही हूँ, क्योंकि आज जो थोड़ा समझाना पड़ेगा, तो बहुत से लोग हैं जो नहीं समझ पाएंगे, तो अपनी भाषा में हिमाचली बोली मैं कल तक देखूंगी जो भी बोलना होगा। और बस मुझे सिर में दर्द है और चक्कर जैसे हैं, मतलब एक तो मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, वो मेरे को टेस्ट करवाना पड़ेगा, फिर से चेक करवाना पड़ेगा, कहीं वो फिर से हाई तो नहीं हो गया। और आज बाहर बारिश है तो घास वगैरह कुछ नहीं आया, बस हम बिस्तर में ही सोए हुए हैं। और हाँ, आप लोगों के लिए एक
खुशखबरी भी है। वैसे तो खुशखबरी को उसको काफ़ी दिन हो गए, मैं ना दादी बन गई दूसरी बार। तो दादी मैं इसलिए बनी क्योंकि जो हमारी बड़ी बड़ी दीदी है ना, मैंने आपको दिखाया था एक बार वीडियो में, वो शिमला में रहते हैं, उनका घर भी दिखाऊंगी मैं आपको भी। तो वो शिमला में रहते हैं और उनका उनकी जो दो बहू हैं, उनकी एक जो बड़ी बहू है ना, उनके बेटा हुआ है। एक पहले हुआ था 3 साल पहले, 3 साल का हो गया हो, और अब एक दूसरा बच्चा हुआ उनके। तो अभी वो शिमला में ही है और जब घर आएंगे तो मैं आपको मिलाऊंगी भी उनसे और दिखाऊंगी भी। तो हम फिर से दादी बन गए हैं और बस यही था। बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है हमारे यहाँ पे। तो चलिए पहले घर दिखा देती हूँ आपको, फिर आपसे मैं थोड़ी देर और बात करूँगी, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये हमारा घर, ये निचली मंजिल है, ऊपर हमने बनाई एक मंजिल। देखो मौसम कितना ख़राब हो रहा है बाहर ना, और ये साथ में छोटे जेठ जी का, मतलब हमसे बड़े दो जेठ जी हैं, 4 भाई हैं मेरे पति। तो जो दूसरे नंबर वाले जेठ जी हैं उनका ये मकान है साथ में ही, और वो पार पिंक कलर में आपको दिखाई दे रहा हूँ, ऊपर वाला थोड़ा सा दिख रहा है, वो सबसे बड़ी दीदी का है। जेठ जी नहीं है हमारे, वो उनको 8-9-10 साल हो गए, तो वो बहुत कम उम्र में चले गए थे हमें छोड़ के। तो इस मकान में भी उन सब का बहुत सहयोग था, जेठ जी का, बड़े सबसे बड़े जो जेठ जी थे। तो तब हम साथ में रहते थे सभी, मेरे शादी से पहले का बनाया हुआ है ये मकान। और ये है हमारे यहाँ पे, ये एक कमरा ये है हमारा, जो मतलब पुराना घर तो नहीं, पर हाँ मतलब जो हमने, जो पिताजी ने बनाया हुआ है, उसमें एक ये कमरा है और दूसरा भी साथ में ही है, उसको मैं आपको बताना भूल गई, तो वो स्टोर रूम है। तो ये कमरा है एक, ये है मोदी की दी हुई गैस, इसमें रखी है, ये देख लीजिए, फिर से देख लीजिए आप। हमारा कोई ज़्यादा बड़ा घर नहीं और ज़्यादा कुछ ऐसी मतलब सामान नहीं है कि कुछ हाई फाई है। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर, जो हमने बनाया है, मतलब ये पिताजी का बनाया हुआ मकान है, ये जेठजी का मकान है। फिर से बता रही हूँ मैं आपको, ये आंगन है हमारा, आंगन सबका एक ही है, और इसमें देवर जी रहते हैं नीचे और हमारी सास रहती हैं। तो जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, ऊपर ले चलती हूँ मैं पौड़ियों से आपको, तो वो है हमारा। हमारा तो किसी का भी नहीं है मकान, किसी के भी नहीं है, सब किराएदार हैं हम। ये देख लीजिए, ये मैं आ चुकी हूँ अब अपने लेंटर के ऊपर, तो ये नीचे आपको दिखा रही हूँ, आंगन सब का हमारा एक ही है। और ये जेठ जी ने, ओ पार पिंक आपको मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सबसे बड़े जेठ जी का है, ये काउ शेड के पास है, जहाँ पे हमारी काउ शेड है ना, वहाँ पे ये मकान, वहाँ पे हमारी जगह थी। और ये बनाया हमने, अभी इसका भी बहुत सा काम करने को रह गया है, उसके बाद हुआ ही नहीं, मतलब उतना बस्ट हुआ ही नहीं हमारा। तो चलो जो भी है, घर तो घर होता है। तो चलिए अब आपको ऊपर, ये जो ये हमने खुद बनाए हैं यहाँ पे, एक हॉल है, मतलब ये 2 कमरों का एक ही है, और किचन तो आप मेरी रोज़ देखते हो क्योंकि वहाँ पे मैं डेली जो खाना बनाना, बर्तन हमेशा, मतलब हर व्लॉग में होगा आपको रसोई। और ये हमारा, ये अलमारी, ये बेड हैं, और ये छोटे से सस्ते से सोफा सेट है हमारे, और नीचे मतलब आजकल सर्दियों में तो बिछाना ही पड़ता है कुछ ना कुछ, क्योंकि ठंड बहुत होती है। और टेबल ना मैंने साइड में लगाया हुआ है, क्योंकि बीच में ना फिर कुछ भी काम करना हो तो ये बार बार जो मतलब ये होता है, तो इसको हमने साइड में। और ये खिड़की, यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है नज़ारा बाहर को, साथ में मैं दिखाती हूँ आपको अभी आगे, ये देखिए साथ में बाहर खेत हैं, ये देखिए, और ये बाहर कुछ ऐसा दिख रहा है, ये सरसों मेथी का खेत है, और पहाड़ियाँ सामने दिख रही हैं बहुत सुंदर। और बिस्तर को मैं मत करना भी, मतलब हम इसको उठा नहीं सकते, रजाइयाँ वगैरह, क्योंकि जब बारिश होती है तो यहीं बिस्तर में लेटना पड़ता है, आग भी कितनी की सेकें। और ये मेरे बच्चों के कुछ यहाँ पे ट्रॉफियाँ हैं, ये छोटे वाले की ज़्यादा हैं, और ये होम थिएटर है, ये होम थिएटर का शौकीन बड़े वाला है, जो बड़े वाला है ना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है गाने सुनना। ये मेरे छोटे बेटे की है मैक्सिमम, 1-2 बड़े की है, वो स्पोर्ट्स में है बड़े वाला, उस मतलब उसको स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है।
और पढ़ाई में दूसरा है छोटे वाला, और ये मेरे गोलू मोलू हैं सबसे ऊपर, ये मैंने लगाई ये पिक्चर यहाँ पे इनकी तस्वीरें, और ये मैं थी जब हनी है, बड़े वाला 5 महीने का था उस टाइम की, ये फ़ोटो है 5 महीने का था हनी, और ये इसके पापा हैं, और ये इनके, ये बड़े वाले की मेडल है छोटे वाले के कम में क्योंकि ये स्पोर्ट्स में है बड़े वाला, और ये 1.5 साल का था उस टाइम, और एक जो है कितने साल का होगा, 3.5 साल का, नहीं 4 साल का। तो यही था मेरा होम, कैसा लगा आपको? माइंड मत करिएगा, गरीब लोगों के घर ऐसे ही होते हैं। तो देखा आपने हमारा घर, ये था हमारा घर। और एक्चुअली पता है क्या है, वैसे ये घर ना हमने नहीं बनाया है, हमने तो वही बनाया जो मैंने आपको दिखाया, जो रूम, ये जो निचली वाली मंजिल है ना वो पिताजी ने बनवाई थी, मेरे ससुर ने, उन्होंने ही बनवाया है ये। और उसमें मतलब देवर भी रहता है इसमें, और हमारे पास 2 कमरे हैं नीचे, 2 ही कमरे हैं हमारे पास। एक में जो स्टोर रूम है, मतलब जैसे वहाँ पे गायों का खाने का सामान, राशन वगैरह और सारा कुछ जो भी है, आपको पता ही है स्टोर रूम में बहुत कुछ होता है, तो वो है उसमें। और क्या कहते हैं, हाँ फिर वो मतलब, तो हम ये जो हमने बनाया है, जो मैंने आपको दिखाया है, ये हमने बनाए थे 2-3 कमरे, 2 कमरे, एक रसोई थी, रसोई तो आपने देखी है मेरी बहुत बार, हर रोज़ मैं रसोई का तो दिखाती हूँ, तो वो थी। और ये हमने बनवाए थे, तो यार हम मतलब ये तो अच्छा हुआ कि हमें मतलब बुज़ुर्गों का इतना सहारा था, अदरवाइज़ कितनी मुश्किल होती है ना, अगर अपने आप ही सब कुछ करना पड़े तो बहुत मुश्किल होती है। तो बस आज के लिए इतना ही, और मैं, हाँ दूसरे चैनल पे मैंने आज सुबह कब मतलब शेयर किया है आप लोगों के साथ ब्रेकफास्ट जो भी हमने सुबह बनाया था, और वहाँ पे भी आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, आपका प्यार चाहिए, और बहुत से लोग बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज है लोहड़ी, कई जगह आज मनाते हैं और कई जगह कल मनाते हैं, तो मैं भी आपको दे देती हूँ लोहड़ी की शुभकामनाएं, आज मनाते हैं वहाँ पे भी और जो कल मनाएंगे वहाँ पे भी, हमारे साथ कल मनाते हैं यहाँ पे, पर ना हम इस बार लोहड़ी नहीं मनाएंगे, तो वो मैं कल बताऊँगी आपको कि क्यों नहीं मनाएंगे। तो ठीक है फिर चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी कल वाले ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिएगा। कल मैं दवाई को भी जाऊंगी, कल तो जाना ही पड़ेगा, मतलब रोटी नहीं खाऊंगी, पहले मैं दवाई ही ला लूँगी। तो ठीक है बाय बाय, थैंक यू सो मच, ये मैंने पीछे लिया हुआ तकिया बनाया हुआ इसका, ओके।